नहीं बेटा, हम दरबदर नहीं होंगे। आली बहुत हिम्मत वाला है, हौसले वाला है, और तुम देखना अल्लाह ताला उसकी हिम्मत और साबित करने का फल उसे जरूर अच्छा देगा। नया घर मुबारक हो तुम्हें। जिस घर में मेरी बहन को थप्पड़ पड़े हो, जिस घर में मेरी बहन को मेरे सामने तलाक हुई हो, उस घर में नहीं लेके जाऊंगा। उस घर में रहने वालों को तो बर्बाद कर चुका हूं मैं, उस घर को भी जल्दी बर्बाद कर दूंगा। मतलब तुमने वो घर बेच दिया? बेचा नहीं, बेच दूंगा। अभी सुन तो उसके नाम। किन बातों में ले आई आप? आए आपको आपका रूम दिखाऊं। चल। पहले आपको ऊपर का पोर्शन दिखाता हूं। और हाँ मी, हमारी जिंदगी से अंधेरे खत्म हो गए हैं। महल है महल, आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत घर है। मुझे तो पहले दिन से ही बहुत पसंद आया। मैं तो अब 2-3 दिन यहीं रहने वाली हूँ। अरे भाई क्यों नहीं, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ रहो। मुझे लगता है कि मैं रोज नहीं आएगा। क्यों खाला, क्या इशू है भाई को? अरे इशू क्या होना है, उन्हें लगता है कि हम लोगों ने सबने मिलकर उनके साथ ज्यादती की है। सुभान अल्लाह, देख रही हैं आप, अपनों से कोई हमदर्दी नहीं और गैरों की मोहब्बत में घुले जा रहे हैं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपा। अगर महरोज के दिल में हमदर्दी होती ना तो वो जरूर खुद आता और मेरी बच्ची के सर पे हाथ रखता, उसे हौसला देता। अरे रहने दे, सुंदस को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है और ना ही उसके पास इतना छोटा दिल है कि वो ऐसी बातों का रोक पाल कर बैठ जाए। बस ये की ना मेरी बहनों वाली बात। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं चाय बना कर ला रही हूँ अभी। मैं थका हूँ, 2-3 घंटे सोऊंगा, शाम की चाय पर मुझे उठा लूंगा। इतने बड़े घर में मैं सोऊंगा कहाँ पे? अरे भाई इतने सारे कमरे हैं, जो रूम तुम्हें अच्छा लगे उसमें जाके सो जाओ। मेरा बच्चा इन दिनों बहुत टेंशन में रहा है। आली? जी बीजा। आली बेटा, तुमसे बात करनी थी, बहुत अहम भी और जरूरी भी। बताएं। रवि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत हमदर्द, पुरखलूस। उसने हमारी बहुत मदद की है, मगर बेटा इस तरह। मगर क्या? देखो बेटा, गुड़िया जिस सिचुएशन से गुजर रही है, इस तरह किसी गैर का घर में आना कुछ नामुनासिब है। ठीक है बीजान, आप फिक्र न करें, मैं समझा दूंगा उसे। अच्छा आरिश से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं। आली आली hmm. क्या वाकई आरिश ने परिसा को? अल्लाह ना करे बीजान ऐसा कुछ हुआ।
उसने डिवोर्स के पेपर जरूर दिए थे मगर उन पर साइन नहीं किए। ऐसे डिवोर्स नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें किसी वकील से मशवरा कर लेना चाहिए और मैं वकील से मशवरा जरूर करूंगा। हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी है, गुड़िया बहुत डिस्टर्ब है। नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था। प्यार में तो मान होता है, एक दूसरे पर भरोसा होता है। ठीक है, मैंने गलत कर दिया था, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनते, भरोसा करते मुझ पर। तुमने मुझे छोड़ दिया, सारी जिंदगी अजियत में गुजारने के लिए तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वाली। वालेकुम सलाम, कैसे हो महरोज? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? परीसा कैसी है? हाँ, हम भी ठीक हैं। वो खैरियत है? कैसे याद किया? तुम घर छोड़ के जा चुके हो, बताओगे कि कहाँ पे रह रहे हो तुम लोग? एक फ्लैट लिया रेंट पर। आली, क्या तुम मुझे इजाजत दोगे कि मैं तुमसे और परीसा से मिलता रहूं, हमारा ताल्लुक इसी तरह से बना रहे? मैं तुम्हारी हमदर्दी और प्यार की कदर करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम परीसा से मिलोगे तो उसे उसकी माजी की यादें फिर से दुख में मुब्तला कर देंगे। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मैं तुमसे शोरूम पे तो आके मिल सकता हूँ ना? या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच आली। ओके, अल्लाह हाफिज। किसी को बेघर करके उसी के घर में उसकी बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा है। अरे अम्मी, मुझे याद आया, कोई लड़की है आपकी नजर में घर के काम करने के लिए, जिसको खाना भी अच्छा बनाना आता हो? हाँ ठीक है, मैं सुबह ही देखती हूँ कि कोई काम वाली मिल जाए। अरे अम्मी, अच्छा मुझे याद आया, जो मेरे घर पे मेट आती है ना काम करने, वो कह रही थी उस बेचारी के पास शायद कोई लड़की या बच्ची है, तो वो कह रही है काफी दिनों से मुझे, अगर आप कहें तो मैं उसे रखवा दूं। ठीक है बज्जो, आप उसको मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं सारी बात उससे खुद ही कर लूंगी। ठीक है। अरे ये सब कुछ ठंडा हो रहा है, गुल कहाँ रह गया? अच्छा मैं देख के आती हूँ। हाँ देखो। से कहना कि जरा जल्दी आए। हाँ मैं बोलती हूँ।
गुल उठो, तुमने 2-3 घंटे सोने का कहा था, अब शाम होने वाली है, चलो उठ जाओ, चाय भी रेडी है तुम्हारी। एसी क्यों बंद किया? पागल हो गए हो क्या? कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। इतनी नवाबियत अच्छी नहीं होती, बिजली का बिल आएगा तो तुमने ही भरना है, आली नहीं है अब भरने के लिए। तो उसे कह कौन रहा है? मुझे फिक्र नहीं है, मैं खुद भर दूंगा। किन हवाओं में हो? अब आली तुम्हें अपने शोरूम पे रखने वाला नहीं है, सुबह सुबह उठो और नौकरी तलाश करो। मैं और नौकरी? क्या मतलब तुम और नौकरी? नौकरी नहीं करोगे तो इतने बड़े घर के खर्चात कौन उठाएगा? तुमने ही करना है सब कुछ गुल। अब हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा गुल। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा हुआ मैं, इंतजाम किया हुआ मैंने, आप लोग फिक्र ना करें। क्या मतलब? कौन सा कारून का खजाना हाथ आ गया आपके? समझ लें कारून का खजाना हाथ में आया। आप चलो मैं आ रहा हूं। पता नहीं क्या हो गया। अम्मी गुड़िया, मैं बाहर जा रहा था, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कपड़े? हाँ, मैं सोच रही हूँ कल से हॉस्पिटल दोबारा ज्वाइन कर लूँ। नो गुड़िया, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन क्यों? मैं ये कह रहा था कि तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो, प्लीज। भाई लेकिन क्यों? आप लोगों से डरते हैं क्या? नहीं गुड़िया, ऐसा नहीं है। मैं लोगों से नहीं डरता और ना ही लोगों की कोई परवाह है मुझे। मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए सोचता हूँ, तुम्हारा सोचता हूँ और तुम्हारी फिक्र रखता हूँ। मैं और खाला तो यहीं रहेंगे। मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था। तो अंदाजा हो गया तो आप भी यहीं आ जाओ ना। मैं यहीं अपने घर में ठीक हूँ। सुबह ऑफिस जाने में मसला होता होगा आपको। तुम्हें मेरे मसलों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, एंजॉय करो, खुश रहो। हाँ हम तो बहुत खुश हैं यहाँ, इतना बड़ा घर, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ महरूज। हाँ तो ठीक है ना, ऐश करो, जितने दिन चाहो अपनी बहन के घर में रहो। आप तंज कर रहे हो या जेलस हो रहे हो? जो समझना है समझो। इसका मतलब है कि आप नहीं आ रहे हो? खाला को बता दूं मैं? बता दो अम्मी को। नहीं आ रहा तो ना आए। आली, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदगी है मुझे। तुम्हें इसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आली, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरा मतलब है कि मैं ऑफिस से लोन लेता हूं, कुछ पैसे तुम अरेंज कर लो, तुम अपना घर खरीद लो। आली नहीं, मैं बस तुम्हें इन सब के लिए लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, हो जाएगा बंदोबस्त। आली मेरी नियत पे शक मत करना, तुम मुझे अपना दोस्त बल्कि अपना भाई समझो, लोन अदा करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मुझे तुम्हारे खलूस और तुम्हारी नियत पर कोई शक नहीं, मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, अपने आप पे पूरा यकीन। तुम सिर्फ मेरे लिए दुआ करो, मुझे अब बहुत मेहनत करनी है और इंशाल्लाह मैं वो सब कुछ हासिल कर लूंगा। तुम्हें तो पता होगा सर आरिश ने ऑफिस क्यों छोड़ दिया। मुझे क्या पता यार, लेकिन हमने तो सुना था कि सर आरिश की वाइफ का सर इरफान के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे नहीं पता। इन दोनों ने जॉब क्यों छोड़ दी बताओ सर आरिश? ये इनका पर्सनल मैटर है, अच्छा होगा कि हम डिस्कस ना करें। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? हकीकत तो आरिश भाई भी नहीं जानते। इसका मतलब है सर आरिश ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी है। तुम लोग अपनी बकवास बंद करोगे? अरे सरिश नाराज क्यों हो रही हो, ये दुनिया है दुनिया, यहाँ हर बात जंगल की आग की तरह फैलती है। यकीन करो सर आरिश से हमें बहुत हमदर्दी थी, बहुत अच्छे इंसान है वो, सर इरफान भी बहुत अच्छे लगते थे, मगर बस खत्म करो ये टॉपिक, हम यहाँ काम करने आते हैं, लोगों के घरों के मैटर्स डिस्कस करने नहीं। मुझे अपना काम करना है। किसी की जिंदगी खराब हो गई, लोगों को बातें करने का मौका मिल गया। दुनिया वाकई बहुत बुरी है। क्यों नहीं सोचते कि आज जो किसी के साथ हो रहा है कल खुदा ना करे उनके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। या अल्लाह लोगों को हिदायत दे। हेलो डॉक्टर परीसर, आली ने तुम्हारी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी तो मुझे पता चला, यकीन करो मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल जो होना था वो हो गया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम फिकर ना करो। थैंक यू डॉक्टर अय्या। ओके टेक केयर, बाय बाय डॉक्टर अय्या। परीसा, जिस शख्स ने सोचे समझे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया और तुम उसके पीछे आंसू बहा रही हो? मैं उसके लिए आंसू नहीं बहा रही बेटा, अपने किए पे आंसू बहा रही हूँ। इरफान ने ऐसा लगता था जैसे मेरा दिमाग ही माउफ कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना सब कुछ करता चला जाए। जिंदगी ऐसा क्यों करती है भीजा? उसे समझाने के लिए सारी दुनिया धोखेबाज है, अब भी संभल जाओ। ठीक कह रही है, जिंदगी ने इतनी ठोकरे लगा दी है ना कि अब सब सीख गई हूँ भीजा। खुदा तुम्हें हिम्मत दे, आगे जिंदगी में बहुत कामयाबी है बेटा। उसके बाद आरिश का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम उसे समझा बुझाकर सुंदस के साथ रिश्ता दोबारा से जोड़ देंगे। आरिश मैं आपके लिए मुसीबत के सिवा और कुछ नहीं रही।
कह रही हो तुम? खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की। फिलहाल मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आप अपनी लाडली बेटी से क्यों नहीं कहती? बेटा, अगर बेटी से कहना होता तो बेटे को क्यों कहती? और माए तो बेटों की जिम्मेदारी होती है ना, बेटी की तो नहीं। तो माओ को बेटों की जेब देकर डिमांड करनी चाहिए।